अरे भैया सर, मौका मिला है, मतलब तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं अरविंद जी, आप लोग सब कैबिनेट में मंत्री का तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिएगा, दिल्ली की जनता ने पूरा विश्वास रखा है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और जो जनता ने के लिए काम किए सरकार ने उसके ऊपर भरोसा जताया है, और जनता ने माना है कि भाई अब काम की राजनीति, नई राजनीति पर विश्वास किया है। मुझे लगता है ये नई राजनीति अब देश की डायरेक्शन दिखाएगी। सर, 100 दिन का आगे का क्या एजेंडा रहेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आप लोग देखिएगा, सबसे पहले हमने गारंटी कार्ड जो दिया है ना, वो एजेंडा आपको सामने दिखाई दे रहा है। गारंटी कार्ड में हमने जो वादे किए हैं वो सारे सबसे पहले तो एजेंडा के ऊपर वही हैं, सारे पूरे किए हैं। कैन यू फुलफिल द एंबिशंस ऑफ दिल्ली पीपल? यस, वी विल डेफिनेटली। वेदर दिस गारंटी कार्ड में? यस, देखिए पिछली बार हमने 70 वादे किए थे, 70 पूरे किए, उसके अलावा भी हमने बाकी काम किए थे। गारंटी कार्ड में 10 काम लिखे हैं, 10 तो पूरे करेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे काम करेंगे। सर, स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो महत्वपूर्ण रहे हैं पूरे चुनाव में लेकर, आपके क्या लगता है कि अब क्या नया बदलाव होगा दिल्ली में? देखिए, मैं आपको लाइव रिस्पॉन्स फ्रॉम सत्येंद्र जैन, also to be a part of Kejriwal's cabinet and one of the ministers who will be sworn in today. Big day for the Aam Aadmi Party as they are now chalking out in terms of strategy and development, the work that they need to do on the ground. But yes, as the Kejriwal government is all set to come into power for the third consecutive term, we continue to get you all the reactions and updates from the ground.